एक सेकंड थोड़ा फ्रेम सेट कर देता हूँ। ठीक है, डू यू वांट टू इंस्टॉल द नेक्स्ट? नो चलिए अपना जो टॉपिक है आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा औसत। औसत सोनू का बर्थडे है, इसको से नया टॉपिक स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, औसत एवरेज। औसत है एवरेज। ठीक है, ये लगाना है आपको टॉपिक। पहला पहली बार है इसलिए सबसे पहले मैं लिखूंगा, वैसे वैसे आज लिखना है, फिर कल से शुरू करना है। आगे की दुकान कल से। औसत, औसत के में लिखोगे समान प्रकार की राशियों का औसत ज्ञात किया जा सकता है। समान प्रकार की राशियों का औसत ज्ञात किया जा सकता है। औसत ज्ञात किया जा सकता है। हाँ, अरे यार राशियों को आप क्या बोलते हो? नंबर्स नहीं होता है, नंबर्स का मतलब संख्या होता है। राशि रुको भी, वेक्टर सदिश होते हैं। यार अभी बताएंगे आपको, है ना? ऐसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, अभी आप समझ जाओगे क्या कहते हैं। अभी मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ, आप सिर्फ फीलिंग को समझना। अभी देखिए, यदि मैं बोलूं कि मेरे पास चार घोड़े हैं और आपके पास आठ घोड़े हैं, तो हम दोनों के घोड़ों का औसत कितना है? छह घोड़े। तो यहां पर घोड़े, यहां पर घोड़े और यहां पर घोड़े, समान प्रकार की चीजें, तो इनका औसत निकाला जा सकता। मैं बोलूं मेरे पास 10,000 रुपए हैं और आपके पास छह घोड़े हैं, तो बताइए इनका औसत निकलेगा? नहीं निकलेगा। इनको आर्टिकल बोल दो या तो फिर, ठीक है ना, तो आर्टिकल क्वांटिटी हो सकती है, कुछ भी, है ना, लेकिन सिमिलर टाइप के होने चाहिए, जो भी एलिमेंट वगैरह कुछ भी हो, अवयव वो सिमिलर होते हैं, तो अब उनका क्या ज्ञात कर सकते हैं? अपन औसत ज्ञात कर सकते हैं। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लिख लिया आपने, समान प्रकार की राशियों का औसत ज्ञात किया जा सकता है। अब इसके आगे का मामला कहता है, सीधा क्वेश्चन, क्वेश्चन कि यदि सबसे पहले बिल्कुल छोटा, छोटे से छोटा 50, 40 व 90 का औसत क्या था? बस क्या बात, करो सभी निकालो। बिल्कुल आराम से निकल जाएगा। इसमें ये ऐसे होगा, इसको ऐसे लिखना है सूत्र की फॉर्म में। इसका औसत का सूत्र होता है, लाड़ लो, औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बट्टा राशियों की संख्या। राशियों का योग और बट्टे में क्या है आपका? राशियों की संख्या, राशियों की संख्या, ये इसमें आएगा। बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब राशियों का योग, ऊपर देखो ये राशियां हैं 50, 40, 90, इनका योग आ गया 180 और राशियों की संख्या तो कितनी राशियां थी? 1, 2, 3, तो ये कितना हो गया आपका? बोलो बात समझ में आई कि नहीं? अब इस प्रकार से आपको आगे मैं क्वेश्चन दूं, उसको करना है, आप लिखते जाओ कंटिन्यू, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं वैसे वैसे लिखते जाओ। लिखो भावना, लिखो घोड़े जैसा। अगला, तीन संख्याएं, मैं तरह तरह के क्वेश्चन लूंगा उससे आपका ये क्लियर हो जाएगा। तीन संख्याएं 50
40 वे एक्स का औसत, वे एक्स का औसत, एक्स का औसत 100 है, 100 है। इन तीनों का औसत कितना है? 100 है। तो एक्स का वैल्यू ज्ञात करें। करो भाई, कंटिन्यू करते जाना सॉल्व आउट। हाँ दोस्त, अब देखो ये कैसे करोगे, तीन संख्याएं तो राशियों का योग, तो राशियों का योग कितना हो गया 50 + 40 + x / 3 और बराबर में कितना है 50 और 40 कितना हो गया 90 + x और ये इस तरफ होगा गुणा, तो x बराबर कितना हो गया 300 - तो x बराबर कितना आ गया, तो ये इस प्रकार से कर लो कैसे, ठीक है। अभी छोटे छोटे करेंगे तरह तरह के, फिर आगे बढ़ेंगे। लिखो हाँ, उधर तो स्लीपर बनाई है आज, देखो ओए न पोया अपन के बे इतना दौड़िया ना जाने पत्नो हाथ आएगा अपन 3-4 दिन 2 आए गए अच्छा और है कहीं ओए जी माली से हाँ? नहीं नहीं खाली हाथ आनो भी नहीं, क्यों आवा खाली हाथ, दौड़िया किता पतना जीतो तो भावेश की स्कूटी में तेल ही बाढ़ दी अनेर बने दुड़ा दुड़ा कहूँ पतना जीतो तो भावेश के तेल ही बढ़ गई स्कूटी में तो करो आगे। अगला है, यदि यदि ए बी व सी का औसत 60 है, का औसत 60 मीनाक्षी पढ़ो उन क्लास कौन लो दस्तूर भाई को ये का औसत 60 है, यदि यदि डी को शामिल कर दिया जाए, यदि डी को शामिल कर दिया जाए तो चारों का औसत, तो चारों का औसत, तो चारों का औसत 65 आता है, चारों का औसत कितना आता है 65 आता है, तो डी का मान बताइए, तो डी का क्या बताइए मान बताइए, काय बात करो 20 आ रहे हो या क्या आ रहे हो 20 कितना है 80 बिल्कुल 80. बिल्कुल 80 निकालो ताकि आपका यदि इसको इससे रिलेटेड डेवलप हो जाए औसत का तो उसके बाद अपन टाइप लगाते हैं आगे एसएससी का। देखिए इसमें करना कुछ है ही नहीं, सीधा सीधा ही करना है, फटाफट करना है। देखो ए प्लस बी प्लस सी इनका औसत कितना है 60, तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा 180, ये समझ में आ गया। अब देखो इसमें D को शामिल किया तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बट्टा 4 और बराबर में कितना गया 65, तो A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बराबर कितना हो गया 65 × 4 तो 65 200। अब देखो एक चीज देखना, एक सेकेंड रुकना है ना, अब देखो इसमें एक चीज है कि a प्लस बी प्लस सी का जो मान है वो आपके पास है कितना है, तो 180 + d = 200,
तो d बराबर हो गया 260 माइनस 100, तो d बराबर कितना हो गया? बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, फटाफट लिखो। अब देखो वो है ना, जैसे ये ए बी सी है ना, इसमें ऐसे बोलता है माता पिता और बेटे की आयु का औसत उम्र इतनी है। यदि माता पिता और बेटी के साथ उसके भतीजे को भी शामिल कर दिया जाए तो औसत इतना आता है, तो बताओ भतीजा कितने वर्ष का है। तो बस ये सेम ही रहता है, बस उसका चेंज करते हैं थोड़ा थोड़ा, लैंग्वेज चेंज करते हैं। अब मैं आपको एसएससी के क्वेश्चन है वो देता हूं। देखो इसमें जैसे अपनी ट्रिक है ना, एक सिंगल ट्रिक को आपको फॉलो करना है ना, ऐसे मत करना कि मिक्स मत कर देना, खिचड़ी मत कर देना, जैसे इसमें से उठा लिया कुछ उसमें से भी उठा लिया, ऐसे कंफ्यूज मत होना। जैसे मैं एक आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे अपन ने टाइम एंड वर्क पढ़ रखा है ना, अपन टाइम एंड वर्क को कैसे पढ़ाते हैं, एक सेकंड देखना, या लिख लिया एड़ची बिड़ची लिख लियो थे लिख लियो सब लिख लियो। देखो बे ना यहाँ लिखे जी, यहाँ P और Q मिलकर के किसी काम को P और Q लिखे, पच बेबिन यान लिखे, पच कुल कार्य नट लिखे, यान पढ़ाए अगर दिल्ली वाली कोचिंग में, सब दिल्ली की जितनी कोचिंग है बेमान, ज्यादातर माए सब में यान लिख रहा। अब वो है तो आप P Q, लेकिन इन फॉलो करें तो दिक्कत है। अब जान आप ब्लड रिलेशन पढ़ना, ठीक है, ब्लड रिलेशन माइन है आप क्या पढ़ा, आप जहाँ समझो ए लड़का है, बी बे गाय करे कि ए लड़का है चार खुणा को, बी लड़की है, बात तो एक ही लेकिन सिंबल चेंज करे। अब मैं यहां क्यों कौन करा, क्योंकि जहां समझ लो दे दा मैं ये लड़का है, मतलब चार खुणा बनावा तो वो आदो क्या उनको बने गोल जान दिखे, पर जब गणा हो जावे ना पीर क्यूर जे दर्जन बाद में सगले गोल गोल दिखन लाग जाए है। बस है ना एक चीज और है, यदि पी क्यू आर एस टी यू सगला है, एक एक पर जोड़ देर देखना पड़ी, अच्छा वो गोल है वो किस हो गया, देख देख चेक करना पड़े, प्लस माइनस आंतर में आइडेंटिफाई है ना, तो थे एक ही तरीका फॉलो करना। चलो हाँ कोमल का नहीं है ना, नहीं है। अरे अरे बुलाऊं अभी दिन सब है, संडे का है, वैसे ही संडे का है सब आजी। वो परियार आता है ना, परियार, वो परियार आता है ना यहाँ पे।